गाइस वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में अपन देखेंगे डेविडॉफ के एक वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग परफ्यूम कॉल्ड डेविडॉफ सीरोस। ये वुमेंस का परफ्यूम है, तो चलो इस फ्रेगरेंस के बारे में जान लेते हैं। ये जो परफ्यूम द डेविडॉफ का सीरोस, ये 2013 में लॉन्च हुआ था डेविडॉफ के कूल वाटर के बाद। अगर दूसरा कोई परफ्यूम फेमस हुआ था, ये यही सीरोस ही था, क्योंकि ये जो कूल वाटर के बाद जितने भी आए थे, जो नाइट डिवाइन, हॉट वाटर, वो सारे एवरेज काइंड के परफ्यूम थे, तो वो उनको लोगों ने उतना पसंद नहीं किया था। पर ये जो लॉन्च हुआ था सीरोस, इसने मार्केट में एक ब्लास्ट कर दिया, जो आपको उस टाइम तक मीन्स ऐसे एकदम इसके जैसे सेम लाइन परफ्यूम नहीं थे। एक ऐसा थोड़ा सा फ्रेश एक्वा और साथ में रोज काइंड का परफ्यूम है, मीन्स एकदम रोजी नहीं, जैसा एसी मियाकी का रोज एंड रोज अगर आपने स्मेल किया होगा तो एकदम उसके जैसा नहीं है, बहुत थोड़ा माइल्ड है, उसके मुकाबले माइल्ड है, और रोज का बहुत कम टच है, बट बहुत अमेजिंग है। अपन फ्रेगरेंस के बारे में देखें तो ये जो परफ्यूम है, ये एकदम फ्रेश एक्वा बेस का परफ्यूम है, एक्वा प्लस फ्लोरल। अगर आप इसके नोट्स देखोगे, जो इसका टॉप नोट है पियर, जिसे हम नाशपत्ती बोलते हैं, पर वो नाशपत्ती इंडियन नाशपत्ती नहीं, जापानीज नाशपत्ती है। और इसमें जो रोज का टच देता है, ये इसका पिंक पियोनी फ्लावर है। ये जब नाशपत्ती एंड ये पियर एंड पियोनी दोनों मिक्सअप करके जो इनका एसेंस आता है, उसके वजह से वो लिटिल बिट रोजी टच मिलता है, इसके वजह से इसका नाम सी रोज है। बट लेकिन ये आपको एकदम कम्प्लीटली रोज वाइब नहीं देगा, ये बस इसका नेम है रोज की, लिटिल बिट रोज काइंड है एकदम। ये आपको फ्रेश शावर जेल जैसा लगेगा, फ्रेश फ्लोरल शावर जेल ऐसा फील कराएगा ये परफ्यूम। और पर लेकिन अगर आपको एकदम रोज वाला चाहिए, तो इसी में आएगा रोज एंड रोज है, वो एकदम कम्प्लीटली रोज का इंड परफ्यूम है। बट ये अगर आप स्मेल में देखोगे ना, तो सीरोस ज़्यादा बेटर लगता है उससे स्मेल में। ये कैसा समर वेयर परफ्यूम है टोटली, आप स्प्रिंग समर और समर के लिए डे समर में यूज़ कर सकते हो, एकदम यंग एंड मॉडर्न फेमिनाइन, टोटली फेमिनाइन परफ्यूम है, बहुत यंग है, कोई भी वेयर कर सकता है इसको, एंड डिलाइटफुल परफ्यूम है। तो जो फ्रेगरेंस ये बहुत अच्छा है, अगर कूल वाटर के बाद अगर डेविडॉफ को वुमेंस में कोई फेमस है तो इसका सी रोज ही है, बाकी सारे इसके वुमेंस के फ्लॉप गए हैं। इवन कूल वाटर वेव भी, वेव और कूल वाटर EDP आए, वो भी कुछ खास हिट नहीं था, उनके भी नॉर्मल परफ्यूम थे। वो परफॉर्मेंस के देखें तो एवरेज है इसकी परफॉर्मेंस, मैक्सिमम आपको 4 to 5 hours के इसकी लास्टिंग आपको आपके बॉडी पे मिल जाएगी। और ये लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा परफ्यूम है, यंग गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा, अगर स्कूल या कॉलेज के लिए जा रहे हैं, ऑफिस के लिए जा रहे हैं, तो बहुत डिसेंट परफ्यूम है समर के लिए। एक्वेटिक में फ्लोरल चाहिए तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, पीस आउट।